एज ए मेंबर विधान परिषद, बिहार विधान परिषद के सदस्य के नाते मैंने पिछले साल सत्र के 91 जो सत्र था विधान परिषद का, उसमें मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया था महात्मा गांधी सेतु के निर्माण में हो रहे गड़बड़ियों को लेकर। उसके बाद पुनः मैंने इस सत्र में जो भी समाप्त हुआ है उसमें भी मेरा एक कार्य स्थगन प्रस्ताव था इसी मुद्दे पर कि महात्मा गांधी सेतु जिस पर लाखों लोग रोज ट्रेवल करते हैं उसकी जो मरम्मत के काम हो रहे हैं उसमें बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती जा रही हैं, गलत और घटिया स्तर का स्टील का इस्तेमाल हो रहा है। इससे पहले 18 दिसंबर को पटना में नितिन गडकरी जी आने वाले थे, रोड कॉन्फ्रेंस था, रोड कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस नेशनल लेवल का, वो नहीं आए। मैंने उनके लिए भी एक ज्ञापन बनाया था, मुझे उम्मीद थी कि हो सकता है वो इस बारे में कुछ करें और हो रहे भ्रष्टाचार को रोकेंगे। वो नहीं आए तो मैंने उन्हें पत्र मेल कर दिया था। मैं इन तमाम जो चीज़ों का मैंने उल्लेख किया है वो सब की एक कॉपी आपको मैं दे रहा हूँ। आज मुझे उसमें बड़ी प्रसन्नता हुई, कई समाचार पत्रों ने भारत के महालेखाकार के द्वारा दिए गए रिपोर्ट पर आधारित खबरें छापी हैं जिसमें इस बात का उल्लेख है कि महात्मा गांधी सेतु के निर्माण में घटिया स्टील का इस्तेमाल हो रहा है। यह एजी ने माना है अपने ऑडिट रिपोर्ट में। जो बातें मैं लगातार पिछले एक साल से कहता रहा हूँ विधान परिषद के अंदर और बाहर, और सरकार के मंत्री नंद किशोर यादव इसे झूठा ठहराते रहे हैं, आज उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि जो एग्रीमेंट हुआ था निर्माण कंपनी से महात्मा गांधी सेतु के मरम्मत को लेकर, उसके सुपर स्ट्रक्चर के निर्माण को लेकर, उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन वो लोग कर रहे हैं जो निर्माण कार्य में लगे हैं। लगभग 1,000 करोड़ मूल्य का ये घपला है और खुलेआम घटिया स्टील का इस्तेमाल हो रहा है और एक कमजोर स्ट्रक्चर जानबूझकर तैयार कराया जा रहा है। एजी ने अपने रिपोर्ट में मेरे उन सवालों को भी एक तरह से पुष्टि कर दी जो मैंने उठाया था। मैंने कहा था कि जब वहाँ घटिया स्टील का इस्तेमाल हो रहा था तो तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सुनील कुमार सिंह, एक रेजिडेंट इंजीनियर गांधीपुर के थे आईएन मिश्रा, और जो कंसल्टेंसी कंपनी थी उसके जो इंजीनियर थे प्रशांत भट्टाचार्य, इन तीनों ने रिटर्न में ऑब्जेक्शन किया कि गांधी सेतु के निर्माण में गड़बड़ी हो रही है, गलत सामग्रियां उपयोग में लाई जा रही हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। जो सुशासन की सरकार अपने आप को कहती है उसने क्या किया, उन्हीं तीनों अधिकारी को वहां से हटा दिया। बजाय इसकी जांच के सुनील कुमार सिंह भी हटा दिए गए प्रोजेक्ट से, रेजिडेंट इंजीनियर हटा दिए गए, और जो कंसल्टेंट कंपनी के तरफ से वहां डिप्यूटेड थे, जो हेड थे उस टीम के, प्रशांत भट्टाचार्य, उनको भी प्रोजेक्ट से बाहर किया। इन तीनों चीजों का उल्लेख मैंने विधान परिषद में लगातार 3 बार किया। इस बार भी राज्यपाल के अभिभाषण पर जो संशोधन था उसमें भी मैंने इनका उल्लेख किया था कि भैया लोगों के जान माल के साथ खिलवाड़ मत करिए, इसकी जांच करिए और गुणवत्ता वाले स्टील का उपयोग उसमें होना चाहिए। जब इतने परेशानियों के बावजूद ये पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ है तो पुल अप टू द मार्क होना चाहिए। लेकिन चूंकि संख्या बल उनकी अधिक है सदन में, मजाक करना, हंसी में उड़ा देना, गंभीरता से चीज़ों को नहीं लेना, ये सरकार की नीयत थी। और नंद किशोर यादव जी तो और हंसी में इन चीज़ों को लेते थे।
इसके अतिरिक्त भी दो तीन चीजें उसमें जिसका खुलेआम उपयोग हो रहा है, एग्रीमेंट में था कि जो सुपर स्ट्रक्चर को तोड़ा जाएगा उसको सेगमेंट में तोड़ना था ताकि वो नदी में, गंगा नदी में न गिरे, क्योंकि उसके चलते भी पर्यावरण को खतरा होता है। उसके लिए अलग से 300 करोड़ का प्रोविजन था कि आप टुकड़े टुकड़े में उसको तोड़ेंगे ताकि पानी, जो जल का बहाव है गंगा नदी में, वो अवशेष न गिरे। एजी ने हमारे उस आरोप को भी अपने रिपोर्ट में दिया है कि लगभग 300 करोड़ सिर्फ सेगमेंट काटने के नाम पर कंपनी ने मुनाफा कमाया, जो निर्माण में लगी कंपनी है। क्या क्या इन लोगों ने पूरे सेगमेंट को एक बार में ही तोड़ के गिरा दिया। तो जो चीजें 3 महीने में तोड़ तोड़ के निकालना था उसको एक बार में गिराया। मैं समझता हूं बिहार का यह सबसे बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार का मामला है। कुछ पैसों के लालच में उच्च पदों पर बैठे लोग, बड़े बड़े अधिकारी ने एक गंदा खेल खेला है और लाखों करोड़ों लोगों के जान माल के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। इन तमाम बिंदुओं को सामने रखते हुए कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से इस बात को कहना चाहती है कि श्री नंद किशोर यादव जो पथ निर्माण मंत्री हैं, उनको तत्काल उनके पद से बर्खास्त करना चाहिए। वो इस तमाम गलतियों के दोषी हैं। उनको सुपरविजन का अधिकार था, वो कभी पुल पर गए नहीं, कभी देखा नहीं कि स्टील की गुणवत्ता वाला इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सुपर स्ट्रक्चर को कैसे तोड़ के गिराया जा रहा है, क्यों ईमानदार अधिकारियों को प्रोजेक्ट से बाहर किया गया, वो सब पर चुप्पी साधी रहे। और जो विभाग के सचिव हैं श्रीमान अमृतलाल मीणा, उनके पास भी इन तमाम जो 3 अधिकारियों का मैंने नाम लिया था, इन लोगों ने कहा कि गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसका पेमेंट रोकिए, तो उन पर दबाव डाला गया कि नहीं, आप इन पेमेंट्स को क्लियर करने के लिए रिकमेंड करो। जब उन 3 अधिकारियों ने ऐसा करने से मना कर दिया तो उन 3 को प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया।